माय गॉड, आपने कैमरा कब ऑन किया? डिफरेंट टाइप की कौन सी? ऐसा ही तो क्या था, समझ के सब आउट नाउ। से मेरी जो हॉबी की ड्राइंग्स करती हूँ ना, सो कैमरा की बैटरी अभी चली गई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो अभी मैं बात लेके रेडी भी हो गई हूँ एंड अभी बेड को डिक्लटर भी हो गया है और अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो ऐसे तो बेड ना अभी डिक्लटर हो गया है, बट यहाँ पर ये सब भरा पड़ा है। ये क्या है? ये सारे मेरे ड्राइंग्स हैं, मतलब बचपन से लेके अभी तक मैंने जो सारे ड्राइंग्स वगैरह किए हैं वो सब है ये। अब उसको ना मुझे एक फोल्डर में रखना है, एक नहीं मतलब दो तीन इस तरह से साइज वाइज फोल्डर बनाना है कि बहुत बड़ी साइज वाले इस फोल्डर में, मीडियम साइज वाले देन बहुत छोटी साइज वाले। बिकॉज क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी साइज वाले जो ड्राइंग होते हैं ना उसके बीच बीच में कभी कभी छोटी छोटी साइज वाले ड्राइंग छुप जाते हैं और दिखते भी नहीं है फिर जब हमें देखना हो। तब पहले ना मैंने थोड़ा सा रोटेशन वगैरह इस तरह से वार्म अप किया और फिर मैंने ये सारी एक्सरसाइजेस की। और कभी कभी तो ठंडी की वजह से ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज ना करें, बट फिर एक्सरसाइज करते हैं ना तो गर्मी होती है तो मतलब मज़ा आ जाता है ठंडी में। तो मैं मिल्क लेके नीचे आ गई हूँ और अभी एक्सरसाइज किए तो थोड़ी देर बाद मिल्क पीऊँगी मैं। और हाँ, इसको मैं सबसे पहले टेबल पर रख लेती हूँ। वैसे आज संडे है तो ऑनलाइन क्लासेस तो है नहीं, बट मैंने दो दिन से पढ़ाई नहीं की है। सो आज ना मैं मॉर्निंग से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। सो मैं लेके बैठी हूँ इंग्लिश की बुक, उसमें मैं चैप्टर 11 करने वाली हूँ। एंड मैंने आपको जो कहा था ना कि वो मैं पेंटिंग वाला फोल्डर्स में रखने वाली हूँ, तो वो मैं पढ़ाई करने के बाद रखूँगी, पहले पढ़ाई हो जाए। क्योंकि मॉर्निंग वॉर्निंग में पढ़ाई हो जाती है ना तो मतलब एक तरह से प्रोडक्टिव ज़्यादा फील होता है। ये ना एक्चुअली मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, बस पेंसिल हाथ में रख के इस तरह से रीड कर रही हूँ, बिकॉज मैं ये दोनों चैप्टर्स तो फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ। सो मैं भी 12th चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर रही थी, बट मैं भूल गई कि एक्चुअली मुझे मैं मिल्क नीचे लेके आई थी तो वो मुझे पीना है। सो मैं अभी लेके आती हूँ। यस, सो मैं लेके आ गई। एक मिनट, मम्मा बुला रहे हैं तो मैं एक मिनट में आई। मम्मा एक्चुअली पूछ रहे थे कि नींबू पानी पीना है क्या, बट मैंने मम्मा को कहा कि मैं भूल गई थी कि मुझे मिल्क पीना है। सो मैंने जस्ट अभी मिल्क पिया है। सो आज नींबू पानी तो मैं नहीं पीने वाली हूँ। वैसे मतलब मुझे याद ही नहीं रहा, मैं इतनी मतलब ऐसे पढ़ाई में घुस गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि अरे मुझे मिल्क पीना है, बट अचानक से मुझे याद आया 11th चैप्टर करने के बाद। थोड़ी सी भूख लग रही है तो मैं जा रही हूँ ऊपर लंच करने। आज का लंच है राजमा चावल एंड होममेड बटर मिल्क। तो अभी हमने कैमरा ऑन कर लिया अरे, है। ओ माय गॉड, आपने कैमरा कब ऑन किया? एंड हम सब जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो। ओ हाँ, सो अभी आपने कैमरा ऑन कर ही दिया है तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं ना साइटेबल ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बहुत सोच रही हूँ, बिकॉज साइटेबल पर साइटेबल के अंदर कुछ खास था नहीं। सो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि साइटेबल में मुझे रखनी चाहिए वो मैं साइटेबल में रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मैं आपको और सबको बताऊँगी कि मैं क्या क्या रखने वाली हूँ। सो आइए एंड आप भी आइए। मैंने इस तरह से किया है कि स्टडीज़ रिलेटेड नहीं, बट बाकी मैं ऐसे ही मेरी जो हॉबी की ड्राइंग्स करती हूँ ना तो वो सारे ड्राइंग्स मैं फर्स्ट ड्रॉअर में रखूँगी। सो ये सारी मतलब ड्राइंग्स की बुक्स है और स्केचिंग की बुक्स है, मैंने ड्राइंग्स एंड स्केचिंग एंड हाँ कैलीग्राफीज भी बहुत की है तो वो सभी है। देन बॉर्डर डिज़ाइंस की बुक है और इसमें मैंने बहुत से स्केचिंग्स किए हैं। तो ये मैंने अब्दुल कलाम सर का फेस ड्रॉ किया है, बट इसमें ना स्केचिंग बाकी है तो वो फिर मैं करने वाली हूँ, मतलब आज नहीं फिर कभी। देन आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। सो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो मैं सेकेंड ड्रॉअर में रखने वाली हूँ और ये मतलब ऐसे रैंडमली है, जैसे कि ये ना कैमरा की वो पैम्पलेट टाइप नहीं आता है वो है। एंड इसमें मैंने वो सारे डाउट्स लिखे थे जब हमें कैमरा लेना था ना तब के। फिर मेरी कीबोर्ड वाली बुक है एंड इसको ना मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट मेरी डेली डायरी भी बना सकता है, बाकी छोटी छोटी डायरीज है। देन थोड़ा सा इस साइड मूव करते हैं। सो ये तो मेरे वो सारे ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स हैं जो मैंने प्रोजेक्ट वर्क के लिए किए थे
मैंने सोचा कि अब इसका एक फोटोग्राफ ले लेती हूँ सारे ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स का, बिकॉज फिर ये सबमिट करने होंगे, फिर हमारे पास तो नहीं रहेंगे. सो मैं सोच रही हूँ आज इन सब ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स का फोटोग्राफ ले लूँ. सो मैंने अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है. तो देखिए यहाँ पर मैंने जिस तरह से कहा था वैसे ड्राइंग्स रखे हैं, आई मीन ड्राइंग की बुक्स रखी है सारी, और ये मैंने अपना पाउच रखा है. देन आते हैं नीचे वाले ड्रॉअर में. तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने डायरीज एंड ये सारी बुक्स कही थी और पैम्पलेट्स वो रखा है. और ये यहाँ पर एक छोटा सा फ़ैन का रिमोट है, बट अभी तो वैसे ऑब्वियसली नहीं चाहिए, विंटर सीजन चल रही है, बट हाँ बाद में तो चाहिए होगा ना, तो मैंने रखा है. कि देखिए ये जो सारे पेंटिंग्स है ना वो मैंने अभी यहाँ पर ही रखा है, तो मैं जस्ट अभी इसका फोटोग्राफ ले ही लूँगी ये सारे ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स का, ताकि सबमिट करने से पहले मैं भूल ना जाऊँ कि इनके फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं. बिकॉज जब सबमिट कर देंगे ना हम, फिर वो हमारे पास नहीं आते, फिर वो उनके पास ही रहते हैं. तो इसलिए अब मैं आपको ये सब ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स बता भी देती हूँ, आई मीन दिखा भी देती हूँ, और फोल्डर्स में फिर ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ. देखिए अभी मैंने फाइनल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है. तो सबसे पहले इसमें ना सारे बड़े बड़े ड्राइंग्स जो A4 साइज़ से थोड़े बड़े होते हैं वो वाले, देन इसमें A4 साइज़ मतलब ऑलमोस्ट सारे A4 साइज़ वाले ही हैं. एंड ये मैंने ना ऐसे ही मतलब नोटबुक के पेज में जो ड्राइंग बनाया है तो उस तरह से मैंने बनाए थे पहले, मैं जब बहुत छोटी थी तब, तो मुझे उन सबको संभाल कर रखना था, तो इसलिए मैंने उस साइज़ के मतलब छोटी छोटी साइज़ के ड्राइंग्स है ना वो इसमें रखे हैं. ये तीन वो फोल्डर्स है जिसमें मैंने अपने सारे ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स अभी रखे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है. और ये तो आपको पता ही है ये DIY का फोल्डर है जो हमने कल रखा था कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन के वक्त. ये देखिए हम जब शुगर केन खा रहे थे ना तब मैंने कैमरा ऑन कर दिया और मॉम को पता ही नहीं चला, तो हम शॉर्ट वीडियोज़ कर रहे थे और शॉर्ट वीडियोस करते करते ना ये देखिए मॉम क्या कर रहे हैं. तो मतलब हम दोनों डायलॉग्स डिस्कस कर रहे थे और मतलब मॉम डायलॉग मुझे बता रहे थे मेरा. एंड हाँ आज एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा दोपहर 2 बजे, सो स्टे ट्यून्ड. एंड शॉर्ट्स करते करते डिनर का टाइम हो गया. तो ये है हमारा आज का डिनर, मेथी के थेपले है, हरी मिर्च है और मेरा बोनवीटा. सो मम्मा मैं आपको एक कुछ डिफरेंट टाइप के टंग ट्विस्टर सुनाऊं जो आपको मुझे सुना के बतानी है. अच्छा डिफरेंट टाइप की कौन सी? वही ना पीतल वाली या तो पीतल पतीला वाला कुछ होता है. नहीं फिर एक चांदनी
नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट से टंग ट्विस्टर है। थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपको सुनने की। एकदम ही परफेक्टली, और जो मैं वर्ड्स में जब बोल रही हूँ तभी आपको इस तरह से हाँ पूरा पता है, मुझे बोलना। इतना प्रिपरेशन करोगे ना कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँ। आर यू रेडी? समझ समझ के समझ को समझे, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। बोल के बताइए। हाँ हाँ कर सकते हैं। मतलब पहले नहीं पहली दो लाइन तुम बोले थे ना, तब मुझे याद रहेगी समझ समझ, बट जब तीसरा समझ आता है ना तो चौथा तो समझ बाहर ही निकल जाता है। मतलब पहली लाइन आपको लिटरली सिर्फ भूल गई। 5 सेकंड्स दी जाएगी और मैं सिर्फ एक अरे लास्ट बार रिपीट नहीं, कर रही हूँ। दो लाइन अगर मुझे आप नहीं पक्का, बोल एक पाए, मिनट रुको, 2 लाइन मुझे पक्का याद लेकिन पूरी रहेगी। आपको मुझे सुनानी है। हाँ ओके, टेन सो सेकेंड 10 सेकेंड्स। हाँ चलो। समझ समझ के समझ को समझे, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के समझ को समझे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझ के समझ को समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। वो आखिरी लाइन थी, पहली हो गई आखिरी हो गई। समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है। बोल ऐसा ही तो कहा था, रहे हो? समझ मम्मा के इज आउट समझना। नाउ, मतलब 10 सेकंड्स हो गई। मतलब पूरी तरह से ब्लैंक हो जाने वाला टंग ट्विस्टर है। मतलब अगर पहली आप और ऐसे बोल सकते हो ना, मतलब आपको जितनी बार वो सुनना है टंग ट्विस्टर वो आप सुन सकते हो, बट फिर एक बार में ऐसे पूरा एग्जैक्ट टंग ट्विस्टर आप बोल सकते हो। अगर बोल सकते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो अब मैं अपनी डेली डायरी लिख लूं। सो कैमरा की बैटरी अभी चली गई है, तो सो ये जैसा कि मोबाइल से कल भी करना मैं, पड़ा। हाँ कल भी मैंने कहा था कि ये ना बहुत ही हाँ, उसको भूख बहुत लगती उसको है। भूख बार बहुत बार लगती भूख है। लग गई, भूख लग गई। और कैसा लगा आपको ब्लॉग मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। बाय।